खबर बागपत उत्तर प्रदेश से है। मोहर्रम रक्षाबंधन और जन्माष्टमी त्यौहार को लेकर कलेक्टर सभाकर में जिलाधिकारी राजकुमार यादव एसपी नीरज कुमार यादव ने पीस कमेटी की बैठक बुलाई। बैठक में बता दें कि ताजियादार ने सभी समुदाय के लोग इकट्ठे हुए बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी राजकुमार यादव ने कहा कि त्यौहार को सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने की परंपरा हम सभी को बनाए रखनी है। तो ये आज हम लोगों ने जो आगामी हमारे त्यौहार हैं उनके संबंध में पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई थी और जो त्यौहारों को शांतिपूर्ण तरीके से निस्तारण करने के लिए और जो मनाने के लिए जो निर्देश हैं वो हमारे और पुलिस कप्तान साहब द्वारा दिए गए लोगों को और सभी लोगों से सभी धर्मों से अपील की गई है कि इस पूरे त्यौहारों के जो सीज़न है उसके दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखें, प्रशासन का सहयोग करें और कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो ज़रूर जो है अपने संबंधित SDM CEO और हम लोग को अवगत कराएँ।